हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। आप सभी को बबीता के घरेलू यूजफुल टिप्स चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपसे मिला रही हूँ अपने बिहार का ट्रेडिशनल दही चूड़ा रेसिपी से, क्योंकि मकर संक्रांति नज़दीक आ रहा है और हमें दही चूड़ा तो खाना बनता है, और हमारे बिहार में मकर संक्रांति का ही इंतजार नहीं करते हैं। दही चूड़ा तो शुरू हो जाता है नवंबर से, जो खाना वो डेली का सुबह का नाश्ता रहता है दही चूड़ा। कोई दूध चूड़ा, कोई दही चूड़ा, जिनको जो पसंद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो समझ ही में नहीं आता है कि दही चूड़ा का भी कोई महत्व है या चूड़ा का भी कोई महत्व है, कुछ पता ही नहीं चलता है। वही रेगुलर चूड़े दुकान में मिलते हैं। हमारे बिहार में जैसे ही धान खेतों से कट के आता है, फटाफट सबके घरों में एकदम हरा हरा धान स्पेशल कटता है, और उस काट के खास स्पेशली हम लोग चूड़ा के लिए कटवाते हैं, और फिर उसको सभी जगह सीजनल मिल बैठता है। मार्केट में लोकल जो मार्केट होते हैं आसपास के, वहां पे मिल बैठाया जाता है स्पेशली, 2-3 महीने के लिए चलता है ये। आपको नवंबर से फरवरी तक रहेगा मिल वहाँ गड़ा हुआ। अपना धान सब भिगो के घर में पानी में 24 घंटे भिगो करके ले जाते हैं वहां, और वहां से चूड़ा बनवा के लेके आते हैं। और सभी घरों में थोड़ा थोड़ा चूड़ा नहीं बनता है, 1 मन 2 मन 3 मन जिनके घर में जैसा जरूरत है, सालों भर खाते हैं उस चूड़े को अच्छा से रख कर। 1 मन का मतलब हो गया 1 मन में 40 केजी होते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं दही चूड़ा से। इसके लिए हम लिए हैं, देखिए, ये चूड़ा हम बिहार से मंगवाए हैं। ये बासमती चूड़ा है, स्पेशली दही चूड़ा में बासमती चूड़ा का स्वाद ही कुछ अलग बनता है। खैर, मैं भी हर साल जाती थी बिहार, लेकिन कोरोना के वजह से मैं घर जा नहीं पाई और चूड़ा नहीं लाई, ये किन्हीं से मंगवाई हूँ फ्रेंड से। और इसके लिए गुड़ ली हूँ, जो कि चाकू से पतला पतला स्लाइस में काट ली हूँ। ये दही है और ये दूध है, जो कि एकदम गर्म है, अभी तुरंत गर्म की हूँ। और इसके साथ खाने के लिए ये तिलकुट है, ये हमारे गया का तिलकुट है, जो कि बहुत फेमस है। तिलकुट बोले तो गया का तिलकुट, हालांकि बिहार में सभी जगह मिलते हैं, सभी मार्केट में, सभी होटलों में बनाया जाता है, मिठाई के दुकान में सभी जगह स्पेशली तिलकुट बनता है। ये है गुड़ का तिलकुट, ये गुड़ का तिलकुट है, और बिहार में चीनी का तिलकुट, गुड़ का तिलकुट, और खोया भरा हुआ भी तिलकुट मिलता है, लेकिन खोया भरा वाला लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है, 2 से 4 दिन बहुत हुआ तो 1 सप्ताह खा सकते हैं। और ये है कि आप लॉन्ग टाइम खा सकते हैं, इसको आराम से एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और लंबे टाइम तक खाइए। छत्तीसगढ़ में तो देखने को ही भी नहीं मिलता है तिलकुट क्या चीज है। अब पता नहीं इधर के लोग मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं, वो भी नहीं मुझे मालूम है। चलिए तैयार करते हैं दही चूड़ा, जो कि हम दो तरह से तैयार करेंगे, हम दोनों तरह से खाते हैं। और ये जो गुड़ है, हम पतला पतला स्लाइस में काट के लिए हैं। ये गुड़ भी हमारे यहाँ बिहार में स्पेशली गुड़ आता है चूड़ा दही में खाने के लिए, जो कि पाउडर गुड़ होता है, और वो सिर्फ 2 महीने ही वो भी मिलता है। जितना दिन ये चूड़े का मिल रहता है, उतना दिन ही ये पाउडर गुड़ भी मिलता है, साल भर नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों साल भर नहीं मिलता है, लेकिन ये चूड़ा के टक सीजन में जरूर मिलना शुरू हो जाता है। वो एकदम पाउडर गुड़ रहता है, अब बहुत टेस्टी रहता है। खैर, वो तो मिल नहीं पाया मेरे को। चलिए, दही चूड़ा निकालने के लिए हम 2 बाउल लिए हैं, और जितना जितना चूड़ा खाएंगे उतना उतना चूड़ा पहले निकाल लेते हैं। हम दोनों प्रकार से बता रहे हैं, लोगों को जो अच्छा लगता है वही खाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम कैसे खाएंगे, जो अच्छा लगता है जिस तरीके से वैसे ही खाते हैं। चलिए, हम चूड़ा निकाल लिए, अब इस पर गुड़ डाल देते हैं। एकदम पतला पतला स्लाइस है, तुरंत मेल्ट हो जाएगा। और गुड़ के जगह पर आप अगर चीनी पसंद है तो चीनी भी खा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि गुड़ ही खाया जाए। टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ ले लेते हैं। अब हम इसमें 1 में डालेंगे दूध, जो गरम गरम एकदम गरम है, ज्यादा नहीं, पोहे को भीगने पर दूध डालते हैं।
इसे थोड़ा सा डीप कर देते हैं ऊपर नीचे। गरम दूध डालने से गुड़ भी मेल्ट हो जाता है जल्दी और चूड़ा फूल भी जाता है। हम लोग के यहाँ तो मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह सब लोग उठ के स्नान करके पूजा करके भगवान को भी दही चूड़ा और तिलकुट मस्का जो भी मिलता है हमारे यहाँ सब अर्पित करते हैं। फिर पंडित जी आते हैं, पंडित जी को दान देते हैं, उनके हिस्से का भोग जो खाना खाते हैं वो जो हम लोग खाएंगे खाने से पहले दान करते हैं, दही चूड़ा तिलकुट जो भी है सारा चीज, उसके बाद सब लोग खाते हैं। अब ये डीप हो गया, अब दूध को हटा लेते हैं। एक में दूध डाले हैं, एक में नहीं डाले हैं। अब ये चूड़ा तो भीग गया है, देखिए फूल गया है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस चूंकि एकदम उबला हुआ दूध रहता है। अब इसमें जरूरत के अनुसार दही डालते हैं। देखिए ये दूध में भिगा के दही चूड़ा तैयार किए। अब एक हम तैयार करेंगे बिना दूध में भिगाए, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। ये थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी लगता है, पसंद अपना अपना जो जैसे खाना पसंद करते हैं वैसे बना के तैयार करके खा सकते हैं। अब इसे भी हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और अगर अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार बिहार के तरह तरह के छोटे छोटे डिशों से मिलाते रहूंगी। देखिए ये भी दही चूड़ा तैयार हो गया खाने के लिए। अब इस पर थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं गुड़ से ही, अच्छा लगता है देखने में। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए मैं सर्व करने के लिए तिलकुट भी निकाल ली। ये गुड़ वाला तिलकुट है, चीनी वाला तिलकुट सफेद दिखता है, गुड़ वाला तिलकुट थोड़ा लाल दिखता है और बहुत टेस्टी होता है ये तिलकुट। ये हमारे बिहार का स्पेशल तिलकुट है। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज का नाम है कुमार्स। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कुमार्स फ्रॉम बिहार। तो चलिए अभी नाश्ता करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यम्मी दिख रहा है ना मेरा दही चूड़ा तिलकुट। ये दही दूध में सोख करके बनाए हैं दही चूड़ा, और ये सिर्फ दही से बनाए हैं, और ये मेरा बिहार का फेमस गुड़ वाला तिलकुट। चलिए नाश्ता करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए।